इस वीडियो में हम वृत्त और स्पर्श रेखाओं की बात करेंगे। सर्कल एंड टेंजेंट रिलेटेड वीडियो है ये। तो सबसे पहले हम एक वृत्त बना लेते हैं और इसके अंदर कोई एक कॉर्ड खींचते हैं जिसको जीवा बोलते हैं। वृत्त के अंदर एक किसी बिंदु से दूसरे बिंदु तक जो एक रेखा खींची जाती है उसको जीवा कहते हैं। तो जीवा पर जीवा किसी भी अन्य बिंदु से अगर ये कोण बनाएगी तो वो समान होगा। जैसे वृत्त के इस बिंदु से इस जीवा ने थीटा कोण बनाया है। मान लीजिए कि ये ए बी जीवा है, इसने थीटा कोण बनाया है, तो किसी दूसरे पॉइंट पर भी ये थीटा ही बनाएगी। दूसरे पॉइंट पर भी कितना बनाएगी? थीटा ही बनाएगी। ठीक है, मतलब किसी भी पॉइंट पर अगर इस जीवा से हम ले लें तो वो थीटा ही कोण बनाएगी। ठीक है, अब इसी में देखिए, सबसे बड़ा जीवा जो है वो डायमीटर होता है। अगर हम वृत्त की बात करें तो ये डायमीटर है, जिसको कहते हैं व्यास। ये सबसे बड़ा जीवा है। ये जब वृत्त के किसी भी कोण पर 90 डिग्री का कोण बनाती है, ये कितना बनाती है? 90 डिग्री का। ये किसी भी बिंदु पर ले लें तो वो 90 डिग्री का ही कोण बनाएगी। कितना बनाएगी? ये चूँकि ये व्यास है, ये 90 डिग्री का ही कोण बनाती है। क्लियर है? अब आते हैं हम कि एक वृत्त लेते हैं, इस पर एक टेंजेंट ले लेते हैं। ठीक है, एक टेंजेंट का मतलब इसको स्पर्श करती हुई रेखा, बाहर एक रेखा इसको स्पर्श करती हुई जा रही है, तो ये टेंजेंट हो गया। अब टेंजेंट से एक हम जीवा खींचते हैं वृत्त के अंदर। टेंजेंट से जीवा अगर हम खींचेंगे तो ये जो टेंजेंट से जो ये कोण बनाएगी थीटा, ठीक है, टेंजेंट से ये कितना कोण बना रही है जीवा? टेंजेंट से थीटा कोण बना रही है। तो ये पूरी जीवा दूसरे किसी भी बिंदु से थीटा ही बनाएगी। ये देखिए, इस कंसेप्ट को याद रखिए कि एक टेंजेंट खींचा और उसके बिंदु से हमने एक जीवा खींची, ठीक है, कॉर्ड। और कॉर्ड खींचने के बाद वो टेंजेंट से एक एंगल बनाएगा थीटा, और वही कॉर्ड किसी अन्य बिंदु पे, वृत्त के किसी अन्य बिंदु पे थीटा ही बनाएगा। जैसे मान लीजिए हमने तो अभी यहाँ बनाया था, अब हम यहाँ ले लेते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे, तो यहाँ पे भी ये कितना बनाएगा? थीटा ही बनाएगा। ठीक है, ये तीसरा कंसेप्ट हो गया। अब एक हम सर्किल लेते हैं जिसके अंदर एक कोई जीवा ले लिया हमने। अब ये जीवा अगर किसी पॉइंट से अगर मान लीजिए कि थीटा डिग्री बनाती है, ठीक है, तो ये केंद्र से कितना बनाएगी? देखिए, केंद्र से ये कितना बनाएगी? टू थीटा बनाएगी। केंद्र से कितना बनाएगी? टू थीटा। क्लियर है? कोई भी जीवा अगर किसी वृत्त के किसी अन्य बिंदु से अगर थीटा बनाती है तो केंद्र से कितना बनाएगी? उसका डबल बनाएगी केंद्र से। ठीक है, इसमें थोड़ा सा एक कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन क्या मतलब, एक और भी कंस्ट्रक्शन है उस पर आप कन्फ्यूजन न करें। जो आपको मैंने पहले बताया था कि एक त्रिभुज की जो अर्धरेखा समद्विभाजक आंतरिक समद्विभाजक से हमने बनाया था, याद होगा, आंतरिक समद्विभाजक मतलब इस कोण को समद्विभाज करके जो रेखा, तो ये कितना कोण बनाती है? तो देखिए, ये अगर थीटा बनाती है तो आंतरिक समद्विभाजक कितना बनाता है? 90 डिग्री प्लस थीटा बाई टू। देखिए, इससे इसको कन्फ्यूज मत कीजिएगा। ये त्रिभुज का प्रॉपर्टीज है, ये अर्ध समद्विभाजक का है। समद्विभाजक का है कि अगर कोण को समद्विभाजित करने वाली रेखा अगर आपस में मिलती है तो ये 90 डिग्री प्लस थीटा बाई टू बनाती है। और इसी में मैंने बताया था कि अगर ये बाहरी है, जैसे बाह्य समद्विभाजक है, तो ये यहाँ पे ये कितना बनाएगी? ये 90 डिग्री माइनस थीटा बाई टू बनाएगी। बाह्य समद्विभाजक कितना बनाएगी? 90 डिग्री माइनस थीटा बाई टू। तो ये कंस्ट्रक्शन आपको याद होगा, पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था, आंतरिक समद्विभाजक और बाह्य समद्विभाजक का। आंतरिक समद्विभाजक 90 डिग्री प्लस, तो यहाँ पे ये 90 डिग्री प्लस थीटा बाई टू, में कन्फ्यूज मत कीजिएगा। ये कॉर्ड जो है यहाँ पे, ये त्रिभुज किसी वृत्त के अंदर है
और वृत्त के अंदर किसी वृत्त पर ये बना रहा है थीटा, तो ये केंद्र पे टू थीटा बनाएगा। क्लियर है? अब दूसरे उस पर आते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पे। देखिए एक त्रिभुज है, इसके अंदर एक चतुर्भुज है, ठीक है। इसके अंदर इसको बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, मतलब चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज में क्या होता है, इसका इसका दोनों का योग 180 डिग्री होता है। मान लीजिए ये ए है और ये बी है कोण, मान लीजिए, तो ए प्लस बी हमेशा कितना होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है। और इस आमने सामने का कोण, अब ये जैसे मान लीजिए सी कोण है और ये डी कोण है सपोज, है ना, तो सी प्लस डी भी कितना होगा, 180 डिग्री होगा, इसको याद रखें। और दूसरी चीज़ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ये भी देखें कि अगर इसको इस किसी भी एक भुजा को बढ़ाया जाए, मान लो इसको हमने बढ़ाते हैं, बढ़ाया जाए, तो ये जो कोण बाहरी कोण जो बनेगा, ये थीटा, ये जो बाहरी कोण बनेगा जिस बिंदु से हमने बढ़ाया है उसका अपोजिट वाला कोण, उसका ठीक अपोजिट, जैसे विकर्ण, इससे हम विकर्ण खींचेंगे तो यहाँ आएगा, तो विकर्ण वाला जो कोण है ये भी थीटा होगा। क्लियर है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में किसी भी एक बिंदु को हम बढ़ाते हैं बाहर की ओर, ठीक है, एक बिंदु को बाहर की ओर बढ़ाते हैं तो वो जो थीटा कोण बनता है उस संगत भुजा से, ये कोण थीटा, ये किसके बराबर होगा, तो जिस बिंदु से हमने बाहर बढ़ाया है उसका अपोजिट जो एंगल है, उस कोण के जो अपोजिट एंगल है उसके बराबर होगा। तो क्लियर है कि इस ये कंसेप्ट क्लियर है? मान लो इसको और भी अच्छे तरीके से समझना है तो हम देखिए इसको और भी अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, जिससे आपको बिल्कुल ही याद हो जाएगा कि चूंकि ये देखिए ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया। अब हमने इसी बन गया, हमने इसी को क्यों बढ़ाना है, हम इसको बढ़ा देते हैं, इसको बढ़ा देते हैं, ठीक है, तो इसको बढ़ा देते हैं तो क्या कोई दिक्कत नहीं, ये एंगल हमें निकालना है थीटा, ये एंगल किसके बराबर होगा, तो इस बिंदु का अपोजिट कौन है, ये, तो इसके एंगल ये थीटा होगा, अगर ये थीटा है तो कौन थीटा होगा, फिर ये थीटा होगा। तो क्लियर है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में की प्रॉपर्टीज थी ये। अब हम लेते हैं एक और कंसेप्ट, कोई भी वृत्त है, ठीक है, कोई भी वृत्त है, अगर इसमें हम एक समानांतर चतुर्भुज खींचेंगे, समानांतर चतुर्भुज का क्या मतलब होता है कि पैरेलल लाइन, मतलब उसके दोनों, जैसे ये लाइन हमने खींचा तो इसी के पैरेलल एक लाइन हमने खींचा, आमने सामने की भुजा समानांतर होती है और इसके पैरेलल ये खींचा, इसके पैरेलल ये खींचा, तो ये क्या बनेगा, ये हमेशा रेक्टेंगल होगा। अगर हम वृत्त के अंदर खींच रहे हैं तो हमेशा क्या होगा, रेक्टेंगल होगा, यानी आयत होगा, या वर्ग होगा, या क्या होगा, वर्ग होगा, इसको हमेशा याद रखें। क्या याद रखना है, वृत्त के अंदर अगर हम समानांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम खींचेंगे तो वो हमेशा क्या होगा, या तो आयत होगा या वर्ग होगा, ठीक है। अब देखिए दो जीवा का कटान बिंदु पे हम कंसीडर करते हैं, उसमें क्या रिलेशन होता है, जैसे हमने एक वृत्त ले लिया और इसमें एक दो जीवा ले लिया, ये जीवा ले लिया और ये इधर जीवा ले लिया, और इसको इस बिंदु से इसको इस बिंदु से मिला दिया, ठीक है। तो ये जो कंस्ट्रक्शन बना, तो इसको पहले हम पॉइंट का नाम दे देते हैं ए सी, और इसको ओ नाम देते हैं, और इसको बी और इसको डी। तो देखिए इसका और इसका अनुपात ओ ए और ओ सी का अनुपात, याद रखें ओ ए और ओ सी का अनुपात ओ डी और ओ बी के बराबर होगा। किसका अनुपात बराबर होगा, ओ ए और ओ सी का अनुपात हम लेंगे तो ये ओ डी, इसके ठीक सीधा बढ़ेंगे ओ डी और ओ बी के बराबर होगा। और ये आगे किसके बराबर होगा, ये ए सी और डी बी,
आगे किसके बराबर होगा, ए सी और डी बी, ये भी याद रखें। ठीक है, हमने इसको याद रखना है इस कंसेप्ट को, कि वृत्त में अगर दो जीवा हम खींचते हैं और उसको आपस में क्रॉस करते हैं, उसके विपरीत बिंदु को मिलाते हैं, कहने का मतलब, तो जो हमें एक पिक्चर प्राप्त होता है उसमें क्या रिलेशन बनता है, ओ एक और ओ सी का अनुपात किसके बराबर होता है, ओ डी और ओ बी के अनुपात के बराबर, और ये आगे ए सी और बी डी के अनुपात के, ए सी बाई डी बी के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, अब देखिए किसी भी वृत्त में हम एक स्पर्श रेखा लेते हैं, ठीक है, स्पर्श रेखा हमने लिया, किसी भी वृत्त में हम एक जीवा लेते हैं, सपोज किसी भी जीवा हमने लिया, ठीक है, टेढ़ा सीधा कोई भी जीवा आपने ले लिया, तो केंद्र से जो अगर इस पर लंब डाला जाए तो इसको समद्विभाजित करेगा, जैसे ये आप जानते भी होंगे इस प्रॉपर्टीज को, तो ये एक्स होगा, मतलब वृत्त में अगर हम किसी भी वृत्त में अगर कोई भी जीवा कहीं से हमने खींचा, ठीक है, तो जो केंद्र है वृत्त का उससे अगर उस पर हम लंब डाल दिया तो वो बराबर बराबर भागों में इसको विभाजित कर देगा, समद्विभाजित कर देगा, करने का मतलब इसकी लंबाई x है तो इधर की भी लंबाई x ही होगी। ठीक है, नॉन कंसेप्ट है, सभी को मालूम भी है, लेकिन फिर भी इसको याद रखने के लिए मैंने बता दिया है।